दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे 1974 में रिलीज हुई एक एक्शन ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है रोटी कपड़ा और मकान। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जीना तामान, मौसमी चटर्जी, प्रेम नाथ, अरुणा ईरानी और मदन पुरी। इसके अलावा इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं मनोज कुमार। आप बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो इस कहानी की शुरुआत होती है सोशल स्लोगन रोटी कपड़ा और मकान से, और फिर एंट्री होती है भरत यानी मनोज कुमार की, जो एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है जिसपे अपने गरीब परिवार की जिम्मेदारी है, मगर इस तेज रफ्तार मुआशरे में वो जॉबलेस है। और वो शीतल नाम की एक लड़की यानी जीना तामान से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। और दूसरी तरफ भरत का छोटा भाई विजय यानी अमिताभ बच्चन अपने घर की हालत को लेके काफी परेशान है, जिसकी वजह से वो गलत रास्ता अपनाने की कोशिश करता है, मगर भरत उसे बेइज्जत करके रोक लेता है। और फिर विजय घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब इसके आगे फिल्म की कहानी में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस कहानी का हिस्सा बनेंगे। और इसके आगे फिल्म की कहानी क्या रहती है, ये जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। आप बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो रोटी कपड़ा और मकान बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स में से एक है, जिसे मनोज कुमार ने काफ़ी मीनिंगफुल अंदाज में बनाया है। और मनोज कुमार ने सही मानों में इस टाइटल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म की कहानी को नैरेट किया है, जो हर दौर की ऑडियंस को इम्प्रेस करने में कामयाब होती नज़र आती है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग की बात करें तो इस पॉइंट पे भी फिल्म हमें इम्प्रेस कर जाती है, जहां ये फिल्म पहले सीन से लेके एंड तक एक सेकंड के लिए भी कहीं लूज नहीं पड़ती, बल्कि इंगेजिंग फैक्टर के साथ साथ ये फिल्म हमें एंटरटेनमेंट के भी सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करती है। इसके अलावा डायलॉग्स की बात करें तो इस फिल्म में हमें इंस्पिरेशनल डायलॉग्स के साथ साथ इमोशनल और काफ़ी रियलिस्टिक फैमिली कन्वर्जेशन सुनने को मिलती हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छे से लिखा गया है। और बात करें एक्शन की, तो फिल्म में हमें थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलता है, जो एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक भी काबिले तारीफ है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफ़ी खूबसूरत और रिफ्रेशिंग हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो मनोज कुमार इस फिल्म में अपने कैरियर की वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस देते नजर आए, और जिस खूबसूरती से उन्होंने अपने इस किरदार को निभाया है कि शायद ही कोई दूसरा एक्टर इससे बेहतर परफॉर्म कर पाता। और इस शानदार एक्टिंग पे मनोज कुमार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो भी एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, जो हर किस्म के रोल में अपने आप को ढाल लेते हैं, और इस फिल्म में कम स्क्रीन टाइम होने के बावजूद उन्होंने अपने किरदार को बेहद इम्पैक्टफुल बनाया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। और बात करें शशि कपूर की, तो उन्होंने भी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इम्प्रेसिव काम किया और उन पे ये रोल काफ़ी सूट भी कर रहा था। इसके अलावा जीना तामान और मौसमी चटर्जी समेत फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में अच्छा काम किया है। ओवरऑल देखा जाए तो रोटी कपड़ा और मकान एक वेल मेड फिल्म है, जो हमें बहुत से इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेजेस भी देती है। तो दोस्तों, रोटी कपड़ा और मकान मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूंगा। आप सब भी इस मास्टरपीस मूवी को ज़रूर देखिएगा।